हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। मैंने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप जो होता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब इस ग्लाइकोलाइसिस में हमें करना क्या है वो समझिए। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या करेंगे, हम इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे पाइरूविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज को पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ये सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, टोटल 10 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इस ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनाने में। ये बात समझ में आती है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप यहां तक है, इसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर। मतलब क्या है, शुगर में फॉस्फेट जोड़ दो। दूसरा ये वाला स्टेप है, इसको बोलते हैं क्लीवेज या स्प्लिटिंग। मतलब कंपाउंड टूटेगा और दो नए कंपाउंड बनाएगा। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ पाइरूविक एसिड, मतलब इस स्टेप में पाइरूविक एसिड बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया बच्चों, आप बताओगे, इसका नाम है फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर। तो ये हो गया फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर। सेकेंड स्टेप जो है इसका नाम है क्लीवेज। क्या नाम है बच्चों? क्लीवेज, या फिर इसको स्प्लिटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्प्लिटिंग। और लास्ट स्टेप जो है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ पाइरूविक एसिड। क्या नाम बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ पाइरूविक एसिड। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? हमारे पास पहला कंपाउंड क्या, पहले तो कंपाउंड याद करेंगे सर। ठीक है, पहला क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के 6 कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ो तो हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दो फ्रक्टोज में तो हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अभी देखा है 6 कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा है, अब हम एक और फॉस्फेट जोड़ेंगे जो फर्स्ट कार्बन से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा फ्रक्टोज 1.6 बाई फॉस्फेट। ये बात समझ में आ रही है? तो पहला स्टेप कैसे देखा, ग्लूकोज में 6 कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर इसको फ्रक्टोज में बदला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर इसमें एक और फॉस्फेट जोड़ा फर्स्ट कार्बन पे तो जाएगा फ्रक्टोज 1.6 और 2 फॉस्फेटेज लिए बाई फॉस्फेट। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1.6 बाई फॉस्फेट। अब देखिए फ्रक्टोज 1.6 बाई फॉस्फेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन का। अब ये टूट जाएगा और दो कंपाउंड बनाएगा और दोनों में 3-3 कार्बन होंगे। फिर से सुनिए, फ्रक्टोज 1.6 बाई फॉस्फेट 6 कार्बन का कंपाउंड है, स्प्लिट होगा और दो कंपाउंड बनाएगा और दोनों में 3-3 कार्बन होंगे। एक बनेगा 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, दूसरा DHAP। क्या नाम बच्चों? DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP, ये भी 3 कार्बन का है, और 3 फॉस्फोग्लिसराइड ये भी 3 कार्बन का है। याद रखना है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 कार्बन का फ्रक्टोज 1.6 बाई फॉस्फेट टूट गया और दो कंपाउंड बनाए 3-3 कार्बन के, 3 फॉस्फोग्लिसराइड और DHAP। यहां तक बात समझ आ गई? तो पहले स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1.6 बाई फॉस्फेट और ये दो कंपाउंड में टूट गया 3 फॉस्फोग्लिसराइड एंड DHAP। ठीक है, अब ये बोला मैं भी बहुत सारे कंपाउंड बनाऊंगा, ये बोला मैं भी बहुत सारे कंपाउंड बनाऊंगा, ये बोला जैसे कंपाउंड मैं बना रहा हूं सेम टू सेम ये भी वैसे ही कंपाउंड बनाना है। जैसे मान लो ये बोला मैं बनाऊंगा ABCD, तो ये भी बोला मैं बनाऊंगा ABCD। ठीक है, सेम कंपाउंड है। तो जो कंपाउंड इधर बने वो इधर ना लिख के मैंने क्या माना है कि इधर लिख देते हैं और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात तो वही है भाई, हम लिखें इसने बनाया 1.3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो कितने बने? तो एक इधर बना, तो हम डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 हो गए। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो 3 फॉस्फोग्लिसराइड क्या बनाया? 1.3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये ग्लिसराइड ग्लिसरिक एसिड है। सेम कंपाउंड इसने बनाया, तो ग्लाइकोलाइसिस में 1.3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने बने आप बताओ? 2। फिर इसने क्या बनाया? 1 हटाओ बाई हटाओ क्या बचेगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी कितने बनेंगे? एक इसने बनाया एक इधर बनेगा, तो 2 हो जाएंगे। तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर 2 में 3 में से एक माइनस कर लो समझने के लिए। फिर अब क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन जाएगा? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी कितने? एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो 2 ये बन गए। ठीक, अब देखो इससे क्या बनेगा, देखो ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नाम होगा 2 फॉस्फो इनॉल पाइरूविक एसिड। क्या बनेगा?
टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एसिड, जैसे इधर बना ऐसे इधर भी बनेगा, तो इसको भी हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सब लगा दो, केवल इतना बचेगा, क्या बचेगा, पाइरुवेट एसिड, तो ये भी कितने बनेंगे, टू। पसंद आई, तो फिर से एक बार देख लो क्या हुआ, पहले हमारे पास क्या था, ग्लूकोज, ग्लूकोज में फॉस्फेट जोड़ा, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, फ्रक्टोज भी बदल दिया, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज वन कॉमा बाई फॉस्फेट, ये हो गया पहला स्टेप। ये टूट गया, ये सिक्स कार्बन का टूट गया, थ्री कार्बन के दो कंपाउंड बनाए, थ्री फॉस्फो ग्लिसराल्डिहाइड और डीएचए थी, ठीक है। इसने भी कंपाउंड बनाया, इसने भी बनाया, सेम बनाया, इसने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, इसने क्या बनाया, देखो ये थ्री फॉस्फो ग्लिसराल्डिहाइड है, ये है वन कॉमा थ्री बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देखो कुछ ऐड नहीं हुआ, एक वन और बाई ऐड हुआ है, और ग्लिसराल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड हो गया। अब वन और बाई उड़ा दो तो क्या बचेगा, थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर क्या बचेगा, टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर क्या बचेगा, टू फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, और सब उड़ा दो, केवल इतना बचेगा पाइरुविक एसिड। यहां तक कोई दिक्कत, पहले तो आपको कंपाउंड सारे याद करने, जब कंपाउंड याद हो जाए तब आपको क्या याद करना है, कि पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में एटीपी खर्च हो रहा है। फिर देखो, पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में एटीपी खर्च हो रहा है, जब एटीपी खर्च होता है तो क्या पाई में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में, जब एटीपी खर्च होता है किसे बदल जाता है, एडीपी में, ठीक है। पहले और तीसरे स्टेप में एटीपी खर्च हो गया, ये बात समझ में आ गई। अगला देखिए, थ्री और वन थ्री, थ्री और वन थ्री वाले के बीच में बनेगा एनएडीएच टू, एनएडी से क्या बनेगा, एनएडीएच टू, उसके जस्ट बाद एटीपी बन जाएगा, ठीक है। थ्री वन थ्री के बीच बनेगा एनएडीएच टू, उसके जस्ट बाद क्या बन जाएगा, एटीपी, और लास्ट में भी बनेगा एटीपी। देखो जब एटीपी बनता है तो किससे बनेगा, एडीपी से, जब एटीपी खर्च होता है तो क्या लिखाते हैं, एटीपी से क्या बन गया, एडीपी। अगर एरो उधर की तरफ है तो खर्च हो रहा है, और एरो इधर की तरफ है तो एटीपी बन रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, कहां पर एटीपी खर्च हो रहा है, कहां पर एटीपी बन रहा है। तो खर्च हो रहा है पहले स्टेप में, थर्ड स्टेप में, फिर एटीपी कहां बनना है, एनएडीएच टू कहां बनना है, तो आप क्या बताओगे, थ्री वन थ्री के बीच में एनएडीएच टू बनना है, और उसके जस्ट बाद एटीपी बनना है, और लास्ट स्टेप में एटीपी बनना है। ये बात भी समझ में आ गई, मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब सबस्ट्रेट खुद एटीपी बना रहा हो, सबस्ट्रेट खुद एटीपी बना रहा हो तो उसे बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो एक सबस्ट्रेट ये है जो एटीपी बना रहा है, एक सबस्ट्रेट ये है जो एटीपी बना रहा है, केवल ये दो स्टेप है जहां पे एटीपी खुद बन रहा है। बने एटीपी कहां बनते हैं, आप बताओगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनता है। क्या ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहां से बात समझ में आ गई, अब आगे देखिए, अब क्या है इस पूरे में, अब आपको याद करना है एटीपी कितने बने हैं। तो आप बताओगे दो एटीपी ये बने, भाई टू से मल्टीप्लाई कर रखा है इसलिए दो एटीपी ये बने, दो एटीपी बने तो कितने एटीपी हो गए, चार एटीपी, ये देखो चार एटीपी बने। कितने एनएडीएच2 बने, दो बने होंगे, क्योंकि अब सारे इसके बाद जितने भी स्टेप है सब डबल हो रहे हैं, इधर भी और इधर भी, तो एनएडीएच2 भी दो बनेंगे, यहां एटीपी दो बनेंगे, यहां एटीपी बनेंगे, चार एटीपी और दो एनएडीएच2 और दो पाइरुविक एसिड। तो मैंने लिख दिया क्रॉस प्रोडक्ट क्या बना है, चार एटीपी बने, दो एनएडीएच2 बने, दो पाइरुविक एसिड बने, लेकिन नेट प्रोडक्ट इस चार एटीपी में से दो एटीपी यहां पे खर्च हो गए, तो कितने बचे, केवल दो एटीपी बने और दो एनएडीएच2 बने और पाइरुविक एसिड, बस दो एटीपी का अंतर है, क्योंकि दो एटीपी खर्च हो गए। यही बात समझ में आ गई, अब समझो अगली बात, अगली बात अब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब क्वेश्चन आता है एंजाइम से, ये भाई आपको याद करने पड़ेंगे, टुकड़ों में याद करोगे हो जाएंगे। भाई देखिए, जहां पर एटीपी का लेन देन होता है वहां पर हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं काइनेज, तो आप देखोगे ज्यादातर सभी काइनेज लिखा है, यहां भी काइनेज है, यहां भी काइनेज है, यहां भी काइनेज, ठीक है। अंतर क्या है, इस वाले में लिखेंगे हेक्सोकाइनेज, क्या लिखेंगे, हेक्सोकाइनेज, इस वाले में लिखेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्या लिखेंगे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इस वाले में लिखेंगे पाइरुविक एसिड काइनेज। तो जितनी जगह पे भी पहले एटीपी लगा है वहां पे काइनेज लिखो, इस वाले में हेक्सोकाइनेज में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और इस वाले में पाइरुविक एसिड काइनेज। देखो पाइरुविक एसिड बना तो लिख सकते हैं, ठीक है, यहां फ्रक्टोज इसलिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसमें हेक्सोकाइनेज, ये हो गया एक जगह और एटीपी ये वाला, लेकिन यहां पर काइनेज नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। ट्रांसफॉस्फोराइलेज, क्या नाम है बच्चों, ट्रांसफॉस्फोराइलेज, एक तो ये एंजाइम याद हो गया। फिर दो जगह पे आइसोमर बने हैं, आइसोमर समझते हैं, ऐसे दो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, जैसे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा
लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा, तो ये एक दूसरे क्या होगा आइसोमर। तो यहाँ पे ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ है, तो एग्जाम हो गया आइसोमरेज। ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे का आइसोमर है तो इसका नाम हो गया आइसोमरेज। ठीक है, यहां पे भी आइसोमरेज, यहां पे भी आइसोमरेज, ये भी याद हो गया। अब इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, तो आप बताओगे एल्डोलेज। ठीक है, फिर पूछते हैं जो हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कौन सा एंजाइम है, आप बताओ म्यूटेज। फिर पूछते, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो क्वेश्चन सीधे सीधे आता है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना, 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, एंजाइम का नाम एनोलेज। इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जब इससे ये बनता है तो वॉटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वॉटर का निकलना डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ग्लाइकोलाइसिस में डिहाइड्रेशन वाले फेज में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो, तो आपको पता होना चाहिए वॉटर कहां रिलीज हुआ था, तो आप बताओगे जब 2 वाले में, 2-2 के बीच में है ना, 2-2 के बीच में आपको याद कर लो, और यहां पे कौन सा एंजाइम एनोलेज, इसके जस्ट ऊपर क्या म्यूटेज, सारे एंजाइम। अब एक बचा, मैंने आपको बताया था जहां जहां एटीपी का लेते हमने क्या लगाया, काइनेज, केवल इस वाले को छोड़ा, और जहां NADH2 है वहां पे डिहाइड्रोजनेज, क्या है डिहाइड्रोजनेज। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं एंजाइम कैसे आते हैं, पहले एटीपी वाले हेक्सोकाइनेज, जनरली सबसे पहले काइनेज, इसमें हेक्सोकाइनेज, इसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और इसमें इसी के नाम पे पाइरुविक एसिड काइनेज, बस एक डिफरेंट है ट्रांसफॉस्फोराइलेज। फिर NADH2 का याद कर लो, यहां पे क्या आएगा डिहाइड्रोजनेज। फिर आइसोमर वाले, एक ये है आइसोमर वाले, एक ये है, तो आइसोमरेज। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा इसके बीच में एल्डोलेज, फिर इन दो के बाद में पूछा जाएगा ये म्यूटेज है और यहाँ एनोलेज, एनोलेज का इस्तेमाल हो रहा है जब डिहाइड्रेशन हो। तो बच्चों ये एक प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस, मैंने बताया था इसको EMP पाथवे कहते हैं क्योंकि एम्बिडन मेयर ऑफ फार्मर्स ने दिया था। मैंने बताया था यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, तो आप बताओगे सबस्ट्रेट खुद ATP सिंथेसिस करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो दो जगह बताएंगे, एक ये और एक ये वाली, ये भी याद आ गया। उसके बाद मैंने बताया था ये ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं होती रिएक्शन, ऑक्सीजन होगी तो भी हो जाएगी, नहीं होगी तो भी हो जाएगी, मतलब एरोबिक और एरोबिक दोनों रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाला प्रोसेस, ये सारी डिटेल में आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे क्रैब साइकिल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।